नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा चीनी शेयर्स के बारे में, यानी सुगर स्टॉक्स के बारे में। अब सुगर स्टॉक्स में क्या हुआ है इसके बारे में थर्सडे को खबर आई थी मार्केट के लास्ट आवर में, लगभग 2:30 बजे के करीब न्यूज आई थी, जहां पे मैंने आपके साथ पूरी डिटेल में चीजें भी शेयर करी थी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अभी आप सभी के साथ रिपीट कर रहा हूं वो सारी बातें, याद दिला रहा हूं कि भाई अगर कल स्टॉक्स में गिरावट हो जाए तो आपको पता होनी चाहिए, और जो लोग फ्रेश देख रहे हैं उन्हें पता हो। तो इसी के बारे में वीडियो तो स्टार्ट करते हैं कि क्या है, पूरी डिटेल इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो खाद्य सचिव का बयान आया था जब थर्सडे को लगभग 2:30 बजे के करीब। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं, सुगर स्टॉक चाहे कोई भी सुगर स्टॉक हो, धामपुर शुगर, बलरामपुर चीनी, IEID पेरी, अवध शुगर, आंध्रा शुगर, द्वारिके शुगर, उत्तम शुगर, जो भी सुगर स्टॉक हो, ठीक है, सब में आपने देखा बड़ी तेजी बनी थी थर्सडे से पहले। अगर आप 3-4 ट्रेडिंग सेशंस देखेंगे तो ये तेजी क्यों बन रही थी, इसके पीछे का रीजन था इंटरनेशनली जो रॉ शुगर के दाम है वो 7 साल के ऊंचाई पे हैं और व्हाइट शुगर के दाम 11 साल की ऊंचाई पे आते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इन शुगर स्टॉक्स में बढ़िया तेजी देखने को मिली। बट एक्चुअली में वो तेजी इन स्टॉक्स में थी तो, बट इन कंपनीज को भी पता था डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बट मार्केट अपने आप में कुछ तो पॉजिटिव रिएक्शन देता ही है, तो वो रिएक्शन आ रहा था। अब क्या चीज है समझिए, इंटरनेशनली दाम बढ़ रहे हैं, डोमेस्टिकली नहीं बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनली दाम बढ़ रहे हैं तो इन चीनी कंपनीज को कब फायदा होगा, जब ये एक्सपोर्ट करेंगे तब इन्हें फायदा होगा, क्योंकि बाहर दाम बढ़े हुए हैं यहां तो नहीं बढ़े, जब ये एक्सपोर्ट करेंगे तो इन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। बट एक्सपोर्ट करने पे लिमिट लगा रखी है सरकार ने, अब इस लिमिट को बढ़ाया जाएगा, एक्सटेंड करा जाएगा, तो इन कंपनीज के लिए होती बहुत पॉजिटिव न्यूज। वहीं खाद्य सचिव ने क्लियरली कह दिया कि भाई कोई लिमिट पे छूट नहीं है, क्योंकि कीमतों को काबू में रखना है डोमेस्टिकली, यानी कि भारत में चीनी के दाम अनाप शनाप बढ़ जाएंगे अगर ये लोग कमाई करने के लिए एक्सपोर्ट करने लगे चीनी तो। क्यों, देखिए प्रोडक्शन एक लिमिट में है, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रोडक्शन घट सकता है, जो नॉर्मल अनुमान है उससे 2-4 लाख टन की शुगर का प्रोडक्शन कम होगा, ये भी अनुमान है। तो प्रोडक्शन एक तो कम होने वाला है, ऊपर से ये एक्सपोर्ट और कर देंगे कमाई के चक्कर में, तो भारत में क्या होगा, डिमांड तो बनी हुई है लेकिन सप्लाई कम रह गई, इसके चक्कर में क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएंगे चीनी के। अब प्राइस बढ़ेंगे तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया ना, और भारत जो रेट हाई किए कंटिन्यू हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए, और अगर इन्फ्लेशन इस चीज से ऊपर आ सकता है तो भाई वो कह रही है सरकार, क्लियरली खाद्य सचिव का बयान है कि हम हर एक प्रयास कोशिश करेंगे कीमतों को काबू में रखने की, और एक्सपोर्ट पे कोई लिमिट नहीं बढ़ाई जा रही है, कोई एक्सपोर्ट करने की अभी अनुमति नहीं है, मींस कि जितनी आपके लिमिट है उतनी कर सकते हो आप, एडिशनल कोई आपको छूट नहीं दी जा रही है। ऑलरेडी जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है भारत में, और पहले आप इंटरनली हमारी डिमांड को पूरी करो, हमारी सप्लाई जो वो डिमांड जो है उसको पूरा फुलफिल करो, उसके बाद जो बचता है उसे आप बेशक कर सकते हो, वो एक लिमिट जो दे रखी है उसमें। तो ये पूरा सिनेरियो है। अब जो रॉ शुगर या फिर व्हाइट शुगर के इंटरनेशनली दाम बढ़ रहे हैं उससे इनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, इन्हें समझ में आ गई, तो वो आपने लास्ट आवर में रिएक्शन भी देखा था सारे के सारे चीनी स्टॉक्स में। अब बात करते हैं तो करें तो क्या करें भाई, खबर तो हो गई है नेगेटिव, तो क्या खरीदना चाहिए। देखिए इस तरीके की खबर हर रोज आती है, प्राइजेस हर रोज ट्रेड होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इसके चलते हम शेयर्स को तो डेली बेस पे नहीं बेच सकते ना, क्योंकि हम पोर्टफोलियो में लेके बैठे हैं। ट्रेडिंग कर रहे हो डेफिनेटली बेच दो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इस तरीके से नहीं कर सकते। सुगर स्टॉक्स को लेकर मेरा एक ही व्यू है, लॉन्ग टर्म के लिए रख लो पोर्टफोलियो में। एथेनॉल ब्लेंडिंग अभी तो प्ले हो ही रहा है, अभी उतना पूरा जितना उम्मीद थी उतनी नहीं हुई, अभी तो चल रहा है। 2030 से पहले बेचना पड़ती है स्टॉक्स, ये अभी तो बहुत बड़े मल्टीप्लायर बनने की दम रखते हैं मुझे लगता है। टॉपिक की बात करें अगर सुगर स्टॉक्स में, तो देखिए फंडामेंटली उगर शुगर, उत्तम शुगर बहुत अच्छा लगता है। उगर शुगर अब तो आई थिंक 100 रुपीज पे आ गया, 30 रुपए पे पकड़ा था मैंने एशिया, तो गिरता है किसी भी रीजन से। देखिए हाई बीटा स्टॉक है, एक दिन में 8-10% गिर भी जाते हैं, जिस दिन गिरे उस दिन उठा के अपनी पोर्टफोलियो में डाल लेना। बलरामपुर चीनी आप टॉप पिक के रूप में भी रख सकते हैं, EID पेरी भी रख सकते हैं, उसमें कोरोनमंडल इंटरनेशनल में भी 50% स्टेक ओन करती है कंपनी, तो वो भी रख सकते हैं आप, थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो। आप उत्तम शुगर या फिर आप द्वारिके शुगर, काफी लोगों का निवेश है, पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी द्वारिके शुगर को लेकर काफी कमेंट्स थे,
तो द्वारिकेश शुगर भी बहुत अच्छा स्टॉक है, नो डाउट आप बने रह सकते हैं। तो शुगर स्पेस की बात करें तो यहाँ आप क्वालिटी ढूंढेंगे तो बड़े बड़े नाम जो सबको पता है, बलरामपुर चीनी, अवध, श्री रेणुका शुगर, अवध शुगर, द्वारिकेश एंड धामपुर, ये ट्रेडर्स फेवरेट है, इन्वेस्टर्स फेवरेट है, आप चाहे तो बने रह सकते हैं। पैसा आपका हर एक शुगर कंपनी में बनेगा अगर शुगर सेक्टर चला और आउट परफॉर्म करा तो, और यहाँ आउट परफॉर्म करने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। बट फायदा तब होगा जब आप डिप में खरीदें, और अच्छी बात है कंपनीज ये स्टॉक्स डिप देते हैं कंटिन्यू। अब देखिए द्वारिकेश शुगर 120 वाला 80 रुपए पे आया है, ये मौका ही है आपके लिए मेरे हिसाब से। बलरामपुर चीनी 420 पे खुद बायबैक करा था, अभी 330 पे गया था थोड़े दिन पहले ही, मौका था तो दोबारा मिलेगा, ऐसा नहीं है था निकल गया, नहीं दोबारा मिलेगा। ये किसी भी दिन मार्केट की करेक्शन में शुगर के लिए भी खराब खबर आ जाए, 8-10% टूट जाते हैं, तभी उठाओ अपनी पोर्टफोलियो में डाल लो, बात खत्म। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।